सर आपका परिचय? अजय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अपना दल है, हम उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद सदस्य। सर आज गंगा मेला के पावर पर्व पे आप कानपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे कानपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ गंगा मेले की, पूरे भारत वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी तरफ से यही संदेश है कि जिस तरह इस समय कोरोना फैला हुआ है, सभी लोग स्वच्छता के साथ, पूरी सावधानी के साथ बचाव करें और अपना अपने देश को बचाएं। अभी वीडियो में चालू करिएगा। मैं माँ गंगा के दर्शन करने आया हूँ, कानपुर शहर का एक नागरिक हूँ। सर आज गंगा मेले के पर्व में आप कानपुर में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कानपुर का गंगा मेला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मेला है और ये सीधा सीधा आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए नौजवानों की बलिदान का, त्याग का, उनके जेल जाने का उससे जुड़ी हुई घटना है। सुबह उनके सम्मान में कानपुर वासी खूब जम के रंग खेलते हैं और शाम को सारे के लिए सिंदूर मिला के गले मिलते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा। आज गंगा मेला के पावन पर्व पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं कानपुर वासियों को? कानपुर ऐतिहासिक गंगा मेला में हम लोग पिछले कई वर्षों से नशा मुक्त जन जागरूकता का अभियान यहाँ पर हम लोग करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शहर के उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं जो नशा मुक्त अभियान में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद करते हैं, उनको भारत नवरत्न सम्मान से अभी सम्मानित किया जाएगा। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर नशा मुक्त युवा भारत अभियान की महासभा दे रहे हैं और ड्रग फ्री इंडिया फ्लैग मेले में आने वाले 1,00,000 लोगों को हम लोग ड्रग फ्री इंडिया फ्लैग पहना रहे हैं ताकि वो नशा मुक्त युवा भारत अभियान से अपने को जोड़ सके। आज होली एक बहुत हिंदुओं का बहुत पवित्र पर्व है, सनातन हिंदुओं का पवित्र पर्व है, लेकिन उस पवित्र पर्व में कहीं ना कहीं जैसे अभी कोरोना के लिए हम लोग परेशान हैं, युवाओं में नशोना का रोग लग गया, नशे का रोग लग गया है और यदि नशे का रोग रहेगा तो हिंदू धर्म का जो पवित्र होली है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए होली धर्म को बचाने के लिए, होली पर्व को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं नशा मुक्त युवा भारत अभियान को सशक्त करना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि वे अगर वास्तव में होली पर्व पर कोई संकल्प लेना चाहते हैं, हमने अग्नि में होलिका को जलते हुए देखा, होलिका जली और उसने प्रहलाद को बचा लिया, उसी प्रकार से हम अपने बच्चों को नशे के रोग से बचाने के लिए सड़कों पे निकले, बाहर निकले और अपने बच्चों को नशे से बचाएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा आपसे आह्वान करता हूँ कि यदि आज न जागे तो कल मौका नहीं मिलेगा और इस देश को गुलामी से बचाने के लिए यदि नशे का विरोध नहीं किया तो देश का युवा नशे में जा करके देश को गुलाम बनाने का